11 साल की जानकारी होती तो आज ये तर्क ना दिया जाता कि 2016 में हुआ, 18 तक क्यों नहीं आए 2 साल में। अरे तुमने तो 11 साल का समय दे रहे थे। और ये जो मैं कह रहा हूं 9% और 20%, ये केवल पहले जहाज की के बीच का अंतर है। जब दूसरा, चौथा, आठवां और 18वां आएगा तो जो एस्केलेशन क्लॉज आज तय हुआ है वो इनके एस्केलेशन क्लॉज से सस्ता है। तो हर सक्सेसिव जहाज के लिए ये 9 और 20 का जो दाम है ये अपने आप में बढ़ता जाएगा। दाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, अगर ये चाहें तो मैं इनको पढ़ के भी बता सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट कहता है हमने पहले तय किया कि हम दाम को नहीं देखेंगे, बाद में हम अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए, टू सेटिस्फाई द कॉन्शियस ऑफ द कोर्ट, हमने दाम मांगा। सरकार ने दाम सील्ड कवर में हमें दिया, हमने सील कवर खोल के पढ़ा और पढ़ने के बाद अपनी कॉन्शियस को सेटिस्फाई करने के बाद हमें लगा कि इस केस में हस्तक्षेप करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्शियस सेटिस्फाई हो गई लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुनावी जरूरत उससे सेटिस्फाई नहीं हुई। अब तीसरे विषय पे आ जाएं। शशि, आई वुड एक्सपेक्ट मच बेटर फॉर यू, नो हैविंग नोन यू फॉर 45 ईयर्स। प्लीज At least you always read and write. Those who can't. And therefore, please read the judgment of the Supreme Court. The judgment says, we asked for the price in order to satisfy the conscience of the court. The government placed the price before us. We opened the envelope, we read the price. And after going through it, we don't think it is a case where we would like a judicial review of the pricing at all. That is what the Supreme Court says.